हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ जन्माष्टमी के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स पे लाते रहता हूँ, और आज मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है FMCG। अब FMCG क्या होता है, उसके कौन से शेयर्स लिस्टेड है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और सारे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है, तो आप जाके उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज इसमें मिल जाएगी। तो आइए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो पहले बात करना चाहते हैं FMCG होता क्या है। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG अल्सो नोन एज कंज्यूमर पैकेज गुड्स, आर प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड क्विकली एंड एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड गुड्स सच एज पैकेजेस, पैकेज फूड, फूड्स, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, कैंडीज, कॉस्मेटिक, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ड्राई गुड्स एंड अदर कंज्यूमेबल्स। जैसे कि आपको सब चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती है, जो पीने की चीज़ें होती है, खाने की चीज़ें होती है, जो पैकेट में हमें मिलती है, हम जैसे जाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में ये FMCG उन्हें कहते हैं। तो जैसे कि FMCG के बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है निफ्टी 50 में, तो एक बार निफ्टी में तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी। तो जैसे कि ITC, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, PNG, कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रूवरी, इमामी, जुबलियन फूड, नेस्ले, मारीकोर, ब्रिटानिया, डावर इंडिया, एचयूएल। आई होप आप सबने इस इन सब कंपनियों के, मोस्टली कंपनियों के नाम सुन रखे हैं, और इन सब कंपनियों के शेयर्स हमारे निफ्टी में, हमारे सेंसेक्स में, हमारे शेयर बाजार में, हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आपको जैसे कि पता ही है कि FMCG, अभी हमारा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिल रही थी मार्केट में, जैसे कि आपको सब पता है बहुत सारी चीज़ें बंद थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक जैसे बताते हैं कि इंसान के जरूरत की चीज़ें होती है, तो उन्हीं में से जो खाने पीने की चीज़ें होती है, मार्केट उस चीज़ के लिए ओपन थी। तो FMCG उन्हीं सेक्टर में आती है, FMCG उन्हीं चीज़ों में डील करती है। तो ये तो इन इस वजह से कोविड में इन कंपनियों का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चला है, बहुत सारी इन कंपनियों ने अच्छे रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये कोरोना के टाइम था जो मार्च से लेकर अभी तक, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। और मार्च की बात भी नहीं करना चाहता हूँ मैं बात करना चाहता हूँ ओवरऑल की। तो ओवरऑल ये आपको पता ही है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये हमेशा चलती रहेंगी जब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो आइए हम एक बार बात कर लेते हैं अलग अलग शेयर की। जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड है, बट मैं आपको उन शेयर के बारे में बात बताना चाहूँगा, उन टॉप शेयर के बारे में बात बताना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, और जो आपको अच्छा रिटर्न देने की हमेशा कैपेसिटी रखते हैं, और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो हम उन शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जो मैं चुन के आपके लिए लाया हूँ। तो पहला शेयर है आपके सामने ITC। ITC शेयर 204 रुपये का चलने वाला अभी शेयर है, और आज ही देखिए 1.25 पॉइंट्स की, मतलब 0.62% की यहाँ पर जंप की गई है। आईटी सेक्टर में जो ये टी इंक्लूड है, जैसे कि ITC, टी का मतलब टोबैको है, इंडियन टोबैको कंपनी। तो आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड में इंडिया जो स्मोकिंग के मामले में है 12वें नंबर पर है, 12% का कंजप्शन, मतलब 12वें नंबर पे नहीं कहना चाहूँगा, सॉरी, 12% का कंजप्शन इंडिया स्मोकिंग में करता है, और ITC में टोबैको आता है। तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है FMCG का, जो कि अपने कस्टमर्स को, जो अपने शेयर होल्डर्स को, सॉरी, बहुत अच्छा रिटर्न देता आया है। और इस कंपनी बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है, कछुए की तरह चलेगी, बट कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो ही है, बेशक से कछुए की तरह चलेगी पर मंजिल तक पहुंचेगी और आपको जीत के भी दिखाएगी। तो इसी तरीके से जो ये शेयर है ITC, बहुत अच्छा चलता भी है और बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न भी देता है। इवन ये कंपनी बोनस देने वाली कंपनी है, काफ़ी बार इन्होंने बोनस दिया है, और बोनस के थ्रू इन्होंने अपने कस्टमर्स को करोड़पति बनाया है।
तो जैसे कि आप देखते जा रहे हैं क्या अच्छा परफॉर्मेंस 5 डेज में भी दिया है, मैक्सिमम की बात कर लेते तो देख लीजिए कहाँ पर ये 1999 में 16 रुपये का शेयर था, आज 204 रुपये का शेयर ये एक्सटेंड करता है, और बहुत बार बोनस दिया है तो, और बहुत अच्छे रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। इसके अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे शेयर्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे शेयर की जो हम बात कर रहे हैं इसका नाम है नेस्ले। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा नेस्ले, आपने इसके प्रोडक्ट भी यूज़ करे होंगे, मैं आपको प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यह देख रहे हैं नेस्ले, तो आपने नेस्ले की बहुत सारी कॉफ़ी नेस कैफे की कॉफ़ीज़ यूज़ करी होगी, इसके अलावा आपने इसके क्रंचेस यूज़ करे होंगे, कॉर्न्स यूज़ करे होंगे, मंच किटकैट मिल्क बार जो इसके है ये यूज़ किया होगा, नेस्कैफे पाउडर होता है इनका ये भी आपने यूज़ किया होगा, मैगी आपने यूज़ करी होगी इसकी फेवरेट, जो कि आपको पता है मैगी के बहुत सारे इसमें मसाले भी आते हैं, सॉसेस भी आती है, पास्ता भी आते हैं, और इवन मैगी एक पर्टिकुलर ब्रांड है आप सभी जानते ही है जो ये नेस्ले का ही है। इसके अलावा मिल्क पाउडर में भी ये डील करती है, तो आपने नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स जरूर यूज़ करे होंगे। आज का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, तो आप देख रहे हैं 62 पॉइंट्स की इसमें यहाँ गिरावट हुई है, बट इसके जो रिजल्ट थे वो बहुत बेहतरीन थे, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको आने वाले 5-10 साल में 20 साल में 50,000 तक भी जा सकती है, नो डाउट इसमें इतना कैलिबर है। देखिए क्या किस तरीके से ये कंपनी भागे जा रही है, देखिए किस तरीके के इसने रिटर्न दिए। हम कोरोना की बात कर लेते, कोरोना से पहले जब ये मार्च आया था तो लगभग लगभग ये इसी जो अभी अभी 16,560 है इस इधर ही आसपास ट्रेड कर रहा था, बट इसके बाद कोरोना में 23 मार्च को 12,944 रुपये का 12-13 हज़ार रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा था, तो अगर और फिर अच्छा शेयर था तो इस तरीके से इसने जंप लगाई और आज भी ये 16-17 हज़ार रुपये ही स्टैंड करता है। इसके अलावा 2010 में 8 जून जब ये यहाँ पर लिस्टेड हुआ था तो 2494 मतलब 2494 रुपीज़ का ये शेयर मिलता था, और आज 16,000 17,000 कभी 18,000 और 22,000 22,000 इतना भी आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं सोच सकते हैं, महंगा है बट आपको अच्छा रिटर्न आपको अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर है। इन शेयर के बारे में अलग से हम बात भी करेंगे, और हम दूसरे शेयर की तरफ आते हैं, तो इसका नाम है HUL, HUL मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ पहले, सबसे पहले मैं आपको, तो देखिए ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट्स है, एक्स बूस्ट आपने सारे इसके यूज़ किए होंगे, डव सोप आपने यूज़ किया होगा, कॉर्नेटो यूज़ किया होगा, हॉर्लिक्स यूज़ किया होगा, आप डेली रूटीन में इस इन सारी चीज़ों का यूज़ भी करते हैं अपने घर में, आपको पता भी होगा, और आपको नहीं पता तो बताना चाहता हूँ ये सारे प्रोडक्ट लक्स लाइफ बॉय मैगनम हॉर्लिक्स देख लीजिए, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं, वैसलीन पॉन्ड्स पेप्सोडेंट ब्रू मतलब इतने सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली वाइज अपने घर में यूज़ करते हैं। तो ये एक शेयर बहुत अच्छा शेयर है जिसने अपने शेयर होल्डर्स को लखपति और करोड़पति बनाया है। आज का परफॉर्मेंस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 17 पॉइंट्स की गिरावट हुई है 0.79% की, बट देखिए 5 डेज में भी इसमें आप गिरावट देख रही है, बट मैक्सिमम देख लेते हैं तो मैक्सिमम देखिए 116 रुपये का ये शेयर 1999 में मिलता था, और आज देख लीजिए लगभग 2200 रुपये का ये शेयर स्टैंड किया हुआ है, तो बहुत अच्छा शेयर है। कोविड की बात कर लेते हैं, जब ये कोविड आया था तो कोविड में ये शेयर ज़्यादा नहीं गिरा था, जहाँ शेयर 50-50, 100-100, 50-50, 60-60, 70-70% शेयर अभी गिरे थे यहीं पर ये शेयर को ज़्यादा ही नहीं गिरा था, और 19 मार्च को 1838 रुपये का शेयर मिलता था, और आज देखिए और फिर इसका हाईएस्ट भी आप देखेंगे तो विद इन 1 मंथ ही अंडर 1 मंथ इसने 2425 रुपये का इसका मैक्सिमम भी आप यहाँ पर लगाया, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 52 वीक हाई 2614 रुपये का, तो बहुत अच्छा बेहतरीन शेयर है, बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है, और ये शेयर के इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप डेली वाइज अपने घर में यूज़ भी करते हैं, आप देखेंगे देखें डेली वाइज घर में आप कोई प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको HUL का हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करते हैं,
तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो पिछले एक महीने से भागे जा रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मुझे अच्छा रिटर्न इसने दिया भी है। तो आपको वन डे का परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट्स की जंप लगाई है 0.41% की, और देखिए क्या परफॉर्मेंस देते आ रहा है। 5 दिन में 452 से 518, वन मंथ में देखिए, वन मंथ पहले एक 424 रुपीज़ का मिलता था और 518 रुपये का, 6 मंथ में जब ये कोविड आया था तो केवल 226 रुपये का ही शेयर मिलता था, और अब लगभग लगभग ये डबल हो चुका है। तो मतलब 100% का कह सकते हैं कि 100% का इसने अभी अपने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है, 128% का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो देखिए 20 रुपये का 2002 में ये शेयर हुआ करता था, और क्या चार्ट पैटर्न है, बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, ऊपर की तरफ हमेशा, यहाँ से टिप टू टो देखिए तो हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और इस कंपनी के भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज़ करे होंगे, आप घर पे यूज़ भी करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ का इस यहाँ पर टाटा साल्ट हर कोई यूज़ करता है, जितने भी हमारी पॉपुलेशन सब इसका यूज़ करते हैं, टाटा साल्ट, टाटा नमक, देश का नमक एडवर्टाइजमेंट भी आती है। इसके अलावा कॉफ़ी आपने यूज़ करी होगी, इसके अलावा मसाले आपने यूज़ करे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पास्ता हो गया, मसाले हो गए। ओके, आप देखिए यहाँ पर कितने तरीके के इसमें प्रोडक्ट है, टाटा कंज्यूमर कॉफ़ी देख लीजिए, चाय टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा टी, बहुत, ये देखिए स्पेशल कॉर्न कॉर्नफ्लेक्स, कैलॉक्स, ओके, ये इतने सारे आप प्रोडक्ट, ये सब टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका स्कोप भी है, तो आप ये टाटा की तरफ ध्यान दे सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में इसे रख सकते हैं। इसके अलावा हम एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक कंपनी के बारे में आएंगे, तो ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया इंडस्ट्री बहुत अच्छा इसने अभी एक क्वार्टर में अपना रिजल्ट दिया था, बट ऑपरेटर इसके साथ खेल रहे हैं, और ये कंपनी का आज का परफॉर्मेंस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 65 पॉइंट्स की गिरावट, 1.66% की गिरावट है। बट आपको मैं कोविड का दिखाना चाहता हूँ कि कोविड में से पहले ये केवल 2137 रुपये में, ये 23 मार्च को ये जब गिरा था ये मिल रहा था, और आज लगभग 3815 रुपये का शेयर चल रहा है। तो आप देखिए 78.45% के इसने रिटर्न विद इन 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स अपने शेयर होल्डर्स को इसने दिए, तो काफ़ी बेहतरीन ये भी शेयर है, तो आप इसकी तरफ भी नज़र बना सकते हैं। 1999 में केवल 58 रुपीज़ का शेयर था, और चार्ट पैटर्न देखिए क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, क्या ऊपर की तरफ जाता हुआ, टॉप टू टू देखिए क्या अच्छा इसके पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा शेयर है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो ब्रिटानिया के प्रोडक्ट किस किसने यूज़ नहीं किए, आप सभी यूज़ करते, सब चाय पीते हैं तो सब चाय के साथ बिस्किट लेना पसंद करते हो, और बिस्किट में सबसे फेवरेट लोगों का एक ही नाम आता है ब्रिटानिया, केवल ब्रिटानिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये आपको बिस्किट बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके, 50-50 आप इसके यूज़ करते हैं, न्यूट्री चॉइस आप इसका यूज़ करते हैं, ओके, तो ये काफ़ी चीज़ों में डील करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए बॉम बॉन बॉन भी आप खाते हैं, लिटिल हर्स सबका फेवरेट, ये भी आप सब यूज़ करना करते हैं कि लिटिल हर्स खाएंगे, लिटिल हर्स खाएंगे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसके भी प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छा बेहतरीन इसने रिजल्ट भी दिया है कोरोना के टाइम पे, और कोरोना से पहले भी देता आया है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, इसकी तरफ आप नज़रें बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और ये FMCG सेक्टर से सारे के सारे शेयर लिस्ट थे, सारे बिलोंग करते थे, तो इन शेयर के बारे में ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे शेयर है, बहुत अच्छे ये रिटर्न देते आए हैं। तो हम वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको विनती करना चाहूँगा कि बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए उस पर, और आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।